बृहस्पति के एक्सप्लोरेशन और ऑब्जर्वेशन के लिए अब तक 9 स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके हैं, जिनमें 4 फ्लाईबाई स्पेसक्राफ्ट, 3 ग्रेविटी असिस्ट और 2 ऑर्बिटर शामिल हैं। बृहस्पति के ऑब्जर्वेशन के लिए 1972 में सबसे पहले पायनियर 10 स्पेसक्राफ्ट भेजा गया। पायनियर 10 को बृहस्पति का तस्वीर लेकर उसके मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हुए अपने दूसरे मिशन में आगे बढ़ जाना था। ठीक इसी प्रकार 1973 में पायनियर 11 लॉन्च किया गया, जिसे बृहस्पति के एस्टेरॉयड बेल्ट और उसके आसपास के वातावरण को स्टडी करना था। पायनियर मिशन की सहायता से हम बृहस्पति के बारे में बहुत कुछ जान पाए, जिसमें सबसे बड़ी खोज बृहस्पति का मैग्नेटोस्फीयर है। फिर 1979 में वॉयजर 1 और वॉयजर 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे गए। बृहस्पति के रिंग सिस्टम और उसके चंद्रमा, आयो और यूरोपा के ऑब्जर्वेशन के लिए। दोस्तों, वॉयजर 1 और वॉयजर 2 पर हमने पहले से ही वीडियो बनाया है। आपको अगर वॉयजर मिशन के बारे में जानना है तो आप वह वीडियो जरूर देखें, लिंक आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पायनियर और वॉयजर मिशन के बाद बृहस्पति के ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर के डिटेल्ड स्टडी के लिए 1992 में यूलाइसिस स्पेसक्राफ्ट, उसके बाद 2000 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट, फिर 2007 में न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट भेजे गए। पायनियर 10, 11, वॉयजर 1, 2, यूलाइसिस, कैसिनी और न्यू होराइजन्स, इन सभी स्पेसक्राफ्ट से हमने बृहस्पति के बाहरी वातावरण, ग्रेविटी और मैग्नेटोस्फीयर को जान पाए। चलिए अब दो ऐसे स्पेसक्राफ्ट की बात करते हैं जिनकी सहायता से हम बृहस्पति के अंदर के वातावरण को जान पाए। ये दो स्पेसक्राफ्ट हैं गैलीलियो और जूनो। बृहस्पति को 1968 में प्रकाशित प्लेनेटरी साइंस डिकेडल सर्वे में नंबर 1 प्राथमिकता में रखा गया था, इसलिए वॉयजर मिशन के बाद से ही वैज्ञानिक बृहस्पति के लिए बहुत जिज्ञासु थे। वे जानना चाहते थे कि बृहस्पति के अंदर का वातावरण कैसा है और क्या बृहस्पति का कोई सॉलिड सरफेस है या नहीं, जिसे जानने के लिए 1989 में गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट भेजा गया। 1995 तक गैलीलियो अपने 6 वर्षों की यात्रा के बाद हमसे 58,80,00,000 किलोमीटर दूर स्थित बृहस्पति के ऑर्बिट में पहुंच चुका था। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट के दो भाग थे, पहला जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब यानी लैंडर, जिसे बृहस्पति के अंदर जाना था, और दूसरा भाग ऑर्बिटर, जिसे बृहस्पति के ऑर्बिट में रहकर लैंडर द्वारा जमा की गई डेटा को पृथ्वी पर पहुंचाना था। लैंडर को बृहस्पति के मैग्नेटिक फील्ड तथा ग्रेविटी को पास से स्टडी करना था, और इस प्रकार 7 दिसंबर 1995 को टाइटेनियम से बना जुपिटर एटमॉस्फेरिक प्रोब यानी लैंडर गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से डिटैच हुआ और कुछ ही समय में बृहस्पति के अंदर दाखिल हो गया। लगभग 1,62,000 प्रति घंटे की तेजी से बृहस्पति का शक्तिशाली ग्रेविटी इसे खींच रहा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने लैंडर के स्पीड को कम करने के लिए इस पर लगे पैराशूट को खोल दिया। पैराशूट खुलने के कुछ समय बाद यह बृहस्पति के एटमॉस्फेयर में पहुंच चुका था, जहां से यह सभी जानकारियों को लगातार ऑर्बिटर पर भेज रहा था और ऑर्बिटर उस डेटा को पृथ्वी पर। लैंडर और ऑर्बिटर द्वारा हमें ऐसी जानकारियां प्राप्त हो रही थी जिनके बारे में हम पहले नहीं जानते थे। बृहस्पति के सबसे ऊपरी वातावरण में पहुंचने के बाद हमें पता चला कि बृहस्पति का ऊपरी वातावरण पृथ्वी के वातावरण जैसा नहीं है, बल्कि घने बादलों से भरा है जो कि अलग अलग आकार के हैं। यहाँ का वातावरण एक घने धुएं के चैम्बर जैसा है, जो कि वास्तव में बहुत ही अजीब दिखता है। बृहस्पति के बादल अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और H2O से मिलकर बना है। H2O के होने से हमें यह भी पता चला कि बृहस्पति पर वर्षा भी होती है, लेकिन थोड़े नीचे जाते ही तापमान इतना ज़्यादा है कि बारिश का पानी भाप बन जाता है और सतह तक जा ही नहीं पाता। इस घने बादलों के बाद थोड़ी गहराई में जाते ही ऊपरी बादल खत्म हो जाते हैं और एक खाली आकाश आता है। इस स्थान पर हमें यह पता चला कि बृहस्पति के गहराई में तापमान और दबाव बढ़ता रहता है, जितनी गहराई उतना ही अधिक तापमान और दबाव। इस खाली आकाश में ही बारिश का ज़्यादातर पानी भाप बनकर फिर से ऊपरी वातावरण में चला जाता है। लगभग 156 किलोमीटर गहराई तक जाने के बाद भी लैंडर को कोई सॉलिड सरफेस नहीं मिला। करीब 160 किलोमीटर गहराई में जाने के बाद तापमान इतना बढ़ गया कि ऑर्बिटर से लैंडर का कंट्रोल छूट गया। सिग्नल्स बंद होने के बाद असहन तापमान और दबाव के कारण लैंडर पिघलकर भाप बन गया। हालांकि लैंडर इससे ज़्यादा गहराई में नहीं जा पाया
लेकिन फिर भी इसने बृहस्पति के वातावरण के बारे में हमें बहुत कुछ बताया। गैलीलियो मिशन से हमें यह भी पता चला कि बृहस्पति के रिंग सिस्टम इसी के चार चंद्रमाओं के टकराव के धूल से बना है। साथ ही गैलीलियो ने बृहस्पति के मैग्नेटोस्फीयर को भी और बेहतर तरीके से समझने में हमारी सहायता की। लैंडर के बाद 2003 में 14 साल अंतरिक्ष और 8 साल जोवियन सिस्टम में रहने के बाद गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट को बृहस्पति के वायुमंडल में भेजकर समाप्त कर दिया गया, ताकि पृथ्वी से इस पर गए बैक्टीरिया से बृहस्पति के चंद्रमा दूषित ना हो। गैलीलियो मिशन के बाद वैज्ञानिकों को इससे भी अधिक जानना था। हम अभी तक यह नहीं जान पाए थे कि बृहस्पति पर कोई सॉलिड सरफेस है या नहीं, इसलिए 2011 को लॉन्च किया गया जूनो स्पेसक्राफ्ट, जिसका मुख्य काम था बृहस्पति के कंपोजिशन, ग्रेविटी फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, पोलर मैग्नेटिक फील्ड्स और कोर को स्टडी करना। 5 जुलाई 2016 को जूनो स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्ण बृहस्पति के ऑर्बिट में पहुंच गया। जूनो की सहायता से हमने बृहस्पति को और भी पास से जाना। जूनो में गैलीलियो की तरह कोई लैंडर नहीं लगाया गया था, इसे बस बृहस्पति के ऑर्बिट में रहकर बृहस्पति को स्टडी करना था। जूनो के द्वारा भेजे गए डेटा से हमें पता चला कि बृहस्पति का असल में कोई सॉलिड सरफेस है ही नहीं, बल्कि इसके सेंटर में एक लिक्विड कोर है जिसका तापमान करीब 9700 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ का दबाव इतना अधिक है कि हाइड्रोजन के एटम्स नॉर्मल से अलग लिक्विड अवस्था में बदल जाते हैं, जिसे मेटालिक हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन का यह रूप एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह काम करता है, इसलिए इस लिक्विड कोर के कारण ही बृहस्पति का विशाल मैग्नेटोस्फीयर बनता है। जूनो ने यह साबित कर दिया कि बृहस्पति गैस का एक विशालकाय ग्रह है, जिसका केमिकल कॉम्पोजिशन किसी तारे के समान है। बृहस्पति के केमिकल कॉम्पोजिशन किसी तारे के समान होने से कुछ वैज्ञानिक यह मानने लगे हैं कि बृहस्पति असल में एक असफल तारा है। दोस्तों, बृहस्पति एक असफल तारा है या नहीं, इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही बनाया है, जिसे आप इस वीडियो के बाद जरूर देखें। जूनो अभी भी बृहस्पति के ऑर्बिट में रहकर लगातार बृहस्पति को स्टडी कर रहा है। बृहस्पति के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद भी वैज्ञानिक मानते हैं कि हमें अभी भी बृहस्पति के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। इसलिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने कॉस्मिक विजन प्रोग्राम के हिस्से के रूप में L1 श्रेणी के ज्यूस मिशन को बृहस्पति के गैलीलियन चंद्रमाओं का पता लगाने के लिए चुना है, जिसमें रॉसकॉस्मोस द्वारा प्रदान मिशन को 2022 में लॉन्च करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार इसरो भी 2022 या 2023 में जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 के माध्यम से बृहस्पति के लिए पहला भारतीय मिशन लॉन्च करेगा। बहुत दिनों से रुके और एक सब ऑर्बिटल टेस्ट उड़ान के बाद इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से 5 जून 2017 को जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 यानी GSLV Mark 3 का पहला ऑर्बिटल टेस्ट लॉन्च सफलतापूर्वक किया। जून 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 साल की अवधि में 10 GSLV Mark 3 रॉकेट बनाने के लिए 4338 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में घोषणा किया था कि 2022 में गगनयान नामक लो अर्थ ऑर्बिट स्पेसक्राफ्ट द्वारा मानव को स्पेस में भेजा जाएगा और इस मिशन में GSLV Mark 3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।